हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ चौधरी जयेश कुमार। आई एम हैंडबॉल ट्रेनर। आई वर्किंग किंडर स्पोर्ट्स LLB एट आरजे तन्ना स्कूल भिलोडा डिस्ट्रिक्ट अरवली। आई विल प्रैक्टिस पेलेंटी थ्रो। हेलो फ्रेंड, अब हम पैसिफिक एक्सरसाइज करेंगे। पैसिफिक एक्सरसाइज पेलेंटी थ्रो में हमने जगह पे खड़े रह के बॉल की ग्रिप लेनी है। बॉल की ग्रिप लेने से हमारे हैंड्स पावर, जैसे हम कॉर्नर को पॉइंट टारगेट करना है तो हम कॉर्नर पे ही गोल करेंगे तो हमारा गोल करने का टारगेट एकदम परफेक्ट होगा। इसलिए हमारी बॉल की ग्रिप होनी जरूरी है। तो हम ये एक्सरसाइज करने के लिए हम बॉल को पकड़ेंगे और ग्रिप करके ऐसे गोल करने की मूवमेंट करेंगे। हम ये बॉल की जगह हम मेडिसिन बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन बॉल का इस्तेमाल करने से हमारी हैंड्स पावर, हैंड की पावर जो स्ट्रेंथ होती है उसमें बढ़ावा होता है, जैसे हम अच्छे तरह के बॉल की पास कर सकते हैं। हेलो मित्रों, आज हम पेलेंटी थ्रो करने जा रहे हैं। मैं आपको पेलेंटी थ्रो सिखाऊंगा। ये गोल पोस्ट है हैंडबॉल। हैंडबॉल के गोल पोस्ट के 7 मीटर दूरी पे पेलेंटी थ्रो रहता है, जैसे कि ये पेलेंटी थ्रो है। पेलेंटी थ्रो की साइज 5 सेमी इसकी चौड़ाई होती है और 1 मीटर उसकी लंबाई होती है। उसके बाद पेलेंटी थ्रो हम जो करते हैं तो उसके पीछे हमारा पाव जमीन पे टच में रहेगा। पेलेंटी थ्रो को हम 7 मीटर भी कह सकते हैं। जब हम पेलेंटी थ्रो करते हैं तब हमारा पाव इस पेलेंटी थ्रो लाइन के पीछे रहेगा और हम जमीन के टच में रह के और हम पेलेंटी थ्रो करेंगे। पेलेंटी थ्रो हम सामने वाले प्लेयर कोई गलती होती है तब हमको पेलेंटी थ्रो मिलता है। सामने वाली टीम को रेड कार्ड मिलता है तब हमको पेलेंटी मिलती है। जैसे कि हमको डिफेंस करने में गलत तरीके से डिफेंस करता है, कोई भी इंजरी करने की कोशिश करता है, हम जब गोल करने जाते हैं हमको पीछे से पकड़ता है, कोई भी ऐसी गलती करता है तब हमको पेनल्टी थ्रो मिलता है। पेनल्टी थ्रो जब हम करते हैं तो पेनल्टी थ्रो 6 मीटर और 9 मीटर के बीच में होती है। और जब हम पेनल्टी थ्रो करते हैं तो अपोजिट प्लेयर और हमारे टीम के प्लेयर सब 9 मीटर के बाहर खड़े रहेंगे। सिर्फ अटैक करने वाला जो पेनल्टी थ्रो करता है वही प्लेयर अंदर रहेगा। जब हम पेनल्टी थ्रो करते हैं तब हमारा आगे वाला पाव जमीन के कांटेक्ट में रहना चाहिए। पाव जमीन के कांटेक्ट से उठना नहीं चाहिए, टच में रहना चाहिए। पूरा दूसरा पाव उठेगा चलेगा, पर जब हम गोल करते हैं, पेनल्टी थ्रो करते हैं, मार देते पेनल्टी, उसके बाद हम पाव उठा सकते हैं, पाव को आगे ले जा सकते हैं और लाइन के पीछे पाव रखना है। जब हम पेनल्टी थ्रो करते हैं और जमीन ये हमारे लाइन पे पाव टच हो गया तो भी फाउल माना जाएगा, तो आप पेनल्टी थ्रो नहीं कर सकते। तो जब हम पेनल्टी करते हैं तो पाव ऐसे होना चाहिए। जब रेफ विसल बजाता है तुरंत ही हमको 3 सेकंड के अंदर गोल कर देना है ऐसे।
पेनल्टी थ्रो करते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम पेनल्टी थ्रो करते हैं तब कोई प्लेयर 6 मीटर 9 मीटर के बीच नहीं रहता, हम अकेले होते हैं पेनल्टी थ्रो करने के लिए। तो सबसे ये बेनिफिट मिलता है कि हम इजीली आराम से अच्छे से गोल कर सकते हैं। और पेनल्टी थ्रो दूसरे टीम को फाउल होता है या कुछ गलत तरीके से खेलता है तब ये पेनल्टी थ्रो मिलता है, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम अच्छे से आराम से गोल कर सकते हैं और हमारे गोल का पॉइंट बढ़ाने का एक अच्छा एक तरीका है। थैंक यू।